ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो 21st चैप्टर, फर्स्ट कैंटो 9 चैप्टर एंड 21st वर्स। ओके, मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। सर्वात्मनः समादृशो, सर्वात्मना समादृशो हि, अद्वयस्य अनहंकृतः, तत्कृतं मति वैष्मयम्, निर्वद्यस्य न क्वचेत्। कोई रिपीट करेगा? सर्वात्मना समादृशो हि, सर्वात्मना समादृशो हि, अद्वस्य अहंकृते अद्वयस्या अनहंकृते तत्कृतं मति वैषम्यम् निर्वद्यस्य न क्वचित्। सर्वात्मना समुद्रसो हि, समुद्रयो समाद्रसो हि, समाय समोनी है। सर्वात्मनः समादृशो हि, सर्वात्मनः समादृशो हि, अद्वेषया अनंकृतः, द्वेषया अद्वेषया, ये तो है ही, अद्वस्या अद्वेषया, ये सा है ही नहीं, वहाँ अद्वा शा भी नहीं है, अद्वेषया, गलत बोल रहे हो। तत्कृतं मति वैषम्यम् निर्वाद्यस्य न क्वचित्। क्वचित नहीं है, क्वचित है। ओके, कोई पढ़ेगा? मुश्किल है। पढ़ो। सर्वात्मना नहीं है। यू सी दिस इज आ, दिस इज आ, ए के ऊपर डंडी आ होता है। अच्छा, आ सर्वात्मना समादृशो हि अद्वयस्य अनहंकृतेः, अद्वयस्य अनहंकृतेः, तत्कृतं मति वैषम्यम् वै नहीं है, वही है, तत्कृतं मति वैषम्यम् निर्वद्यस्य न क्वचित्। थोड़ा मुश्किल है आज। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। सर्वात्मनः, सर्वात्मनः, प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले का, समादृशः, समो पर समान रूप से दयालु होने वाले का, समान रूप से दयालु ही, निश्चय ही, अद्वस्य परम का, परम का, ये क्या ट्रांसलेशन है उसमें, ये ऑफ द एब्सोल्यूट, गलत ट्रांसलेशन है। अनहंकृते, मिथ्या अहंकार की सारी पहचान से मुक्त, मिथ्या अहंकार की सारी पहचान से मुक्त, तत्कृतम, तत्कृतम, उनके द्वारा, उनके द्वारा सब कुछ किया गया, कुछ किया गया, मति, मति, चेतना, चेतना, वैषम्यम, वैषम्यम, विषमता, विषमता, निर्वद्यस्य, निर्वद्यस्य, समस्त आसक्ति से मुक्त हुआ, न, कभी नहीं, कभी नहीं, क्वचित,
किसी अवस्था में, किसी अवस्था में। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वह प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है। वह सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेद अभेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतः वह जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है, वह समदर्शी। तात्पर्य मैं स्पीक ऑन दैट। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाका चक्षुर्मीलितम् येन स्मै श्री गुरवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय पितरे गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्येष्टा। सो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्योंकि वह परम पूर्ण है अतएव उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है। यहाँ पे जो शब्द है अद्वय, अद्वय शब्द का मतलब बता रहे हैं। द्वया मतलब होता है दो और अद्वय का मतलब होता है अद्वय का वैसे मतलब एक हो गया, मतलब जो दो नहीं है, तो किसी से भिन्न नहीं है। अद्वय अभिन्न, अद्वय दो में भिन्नता है और जब दो नहीं है, जब एक ही है तो अभिन्न है। सो एक्चुअली अद्वय का मतलब अभिन्नता ही होता है, एक नहीं होता, अभिन्नता ही है। एक तो एक है कि किसी भी व्यक्ति में, मतलब भगवान में और इस संसार में और किसी भी चीज में कोई भिन्नता नहीं है। क्यों नहीं है वो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि वह परम पूर्ण है, क्योंकि वह एब्सोल्यूट ट्रुथ है। इसलिए भागवतम के पहले श्लोक में बोला गया है सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूँ जो समस्त संसार में ओत प्रोत है। इसलिए उनका नाम एक ओम है, ओतम प्रोतम इति ओम। जैसे कपड़े में धागा ओतप्रोत है, नहीं धागा दिखाई नहीं देगा आपको, ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा, शायद किसी कपड़े में तो ध्यान से भी दिखाई नहीं देगा। ऐसे जैकेट में कहाँ धागा कहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देगा। मैं कहा फिर भी धागे से ही बना है वो, उसकी सत्ता धागा ही है। उसी प्रकार भगवान इस सारे संसार की सत्ता है, सब ओतप्रोत हैं, उन्हीं पे विद्यमान है सारी चीजें, मगर वो दिखाई नहीं देते। सूत्रे मणिगणा एव, जिस प्रकार मणियों के अंदर सूत्र होता है और सूत्र है इन मणियों का आधार, मगर सूत्र दिखाई नहीं देगा। और सूत्रधार तो बिल्कुल ही पता नहीं वो तो जब तक पता नहीं लगेगा तब तक पता नहीं लगेगा। इसलिए भगवान को बोल रहे हैं अद्वय, अद्वय जो ये जानता है सीक्रेट कि कृष्णा अद्वय है, वो सारे भय से मुक्त हो जाते हैं। ये भी भागवत में लिखा है भयम द्वितीय अभिनिवेशता स्यात्। तो जब हम हमारी दृष्टि में द्वैत आ जाता है तो भय आ जाता है। द्वैत मतलब कि वो है ये मैं हूं, ये ऊपर है ये गंदा है, मैं अच्छा हूं, सो भय आ जाएगा। अद्वैत दृष्टि है कि ये भी भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं। वो देख पा रहा है ना कि भगवान ही सबके आधार है, सो इसलिए भय आएगा ही नहीं। ये क्या है, इसलिए भय नहीं आता। क्यों नहीं आता भय अगर हम भगवान से सब कुछ कनेक्टेड देखेंगे? क्योंकि उसको पता है कि ये भी भगवान के कंट्रोल में, मैं भी भगवान के कंट्रोल में हूँ। कैन यू जस्ट टेल देम जस्ट ऑफ इट। सो तो जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है सब कुछ भगवान के कंट्रोल में, तो भय नहीं है, सब कुछ कंट्रोल है ना। भय तब होता है ना जब अनकंट्रोल सिचुएशन होती है, तभी तो डर लगता है, हमें मेरे हाथ से बात निकल गई अब तो डर लग रहा है। जब हमें पता है सब कुछ कंट्रोल में है भगवान के, कुछ भगवान की मर्जी के बिना हो ही नहीं सकता, तो डर ही नहीं है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, नहीं पिक्चर कंट्रोल में है, ड्रामा कंट्रोल में चल रहा है, तो डर नहीं लगेगा। अनकंट्रोल हो जाएगा तो पागल हो जाओगे आप। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है, मतलब सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। कुछ भी भिन्न नहीं है क्योंकि भगवान सबका आधार है, तो सब कुछ कंट्रोल में, क्योंकि जब हर जगह ओतप्रोत है तो उन्हें हर चीज का ज्ञान है,
है नहीं, सर्वज्ञ होगा, है ना, क्योंकि सर्व सर्वत्र है इसलिए सर्वज्ञ है, क्योंकि सर्वज्ञ है इसलिए सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कंट्रोल में कर सकते हैं। हम सर्वज्ञ नहीं है इसलिए हम सब कुछ कंट्रोल में नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपके पास, है नहीं। सो अमेरिका के पास इन्फॉर्मेशन है गूगल के थ्रू, तो सब कुछ कंट्रोल में कर सकते हैं, अभी हमें पता है क्या हो रहा है, तो हम हमारे कंट्रोल में चीजें चल रही है नहीं। सो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं वह कैवल्य है, भगवान का एक और नाम क्या है, कैवल्य। कैवल्य मतलब क्या होता है, कैवल्य शब्द वैसे आपको योग योग सूत्र में मिलेगा, योगियों को बड़ा टेस्टी शब्द लगता है कैवल्य, कैवल्य मोक्ष, केवल ज्ञान, इनके जैन मुनि केवल ज्ञान। सो केवल केवल कैवल्य, ये इनमें वो पढ़े रहते हैं, कैवल्य में ही केवल पढ़े रहते हैं। सो मगर खैर भक्ति में कैवल्य का मतलब कुछ और है। प्रभुपाद इस पर्पट में ये जो जितने भी शब्द है ना, सर्वात्मना समदृशो अद्वय अनहंकृते मति वैषमयम, ये सारे शब्द ज्ञानियों को बड़े प्रिय लगते हैं, और ज्ञानियों की क्लास सुनोगे यही शब्द आएंगे, अद्वय ज्ञान, कैवल्य, समदृश, समदृष्टि होनी चाहिए, नहीं। सो मगर प्रभुपाद यहां पर इन शब्दों का भक्तिमय अनुवाद कर रहे हैं, भक्तों की दृष्टि अलग है इन शब्दों की और ज्ञानियों की दृष्टि अलग है। जब ज्ञानियों से बोलोगे अद्वय, तो ज्ञानी क्या कहेंगे, अद्वय का मतलब कि आत्मा परमात्मा एक है, वो अद्वय का मतलब एक लेंगे, मगर हमारे हिसाब से अद्वय का मतलब एक नहीं है, हमारे हिसाब से अद्वय का मतलब है कि भगवान के आउट ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं है, उनसे भिन्न कुछ नहीं है, मतलब उनके कंट्रोल में सब कुछ, जैसे पति पत्नी भिन्न नहीं होते, नहीं, क्योंकि वाइफ कंट्रोल में हस्बैंड के। सो इसलिए भगवान का नाम कैवल्य है, उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, केवल कृष्णा है। सो केवल कृष्णा है मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें नहीं है। अब ज्ञानियों को कैवल्य बोलोगे तो कहेंगे देखा आ गया ना, केवल भगवान है और कुछ है ही नहीं। इसका मतलब है कि टेबल भी माया है, तुम भी माया हो, सब कुछ माया है, एक्चुअली तुम हो नहीं, सिर्फ भगवान है। जब मुक्त हो जाओगे तो क्या समझ आ जाएगा ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, मैं भी भगवान हूं, सब कुछ भगवान है, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। उनका आइडिया ऐसा है, अहम ब्रह्मास्मि, वो इस तरह कहते हैं कैवल्य। मगर हमारे आपसे कैवल्य का मतलब ये नहीं है, हमारे आपसे कैवल्य का मतलब है कि केवल कृष्णा ही हीरो है, बाकी सब जीरो है, हमारे हिसाब से ऐसा है। जीरो का मतलब बुद्धिज्म नहीं है, शून्यवाद नहीं है, जीरो मतलब कोई शक्ति नहीं है हमने, केवल कैवल्य मतलब केवल कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही स्वतंत्र है, बाकी सब परतंत्र है, उन पर निर्भर है। ऐसे ही होता है, नहीं होता है, जैसे कंपनी में तो बिरला की कंपनी है, तो बिरला में कौन है, केवल बिरला, बिरला किसका है, अंबानी आदित्य बिरला, रिलायंस अंबानी का है ना, तो बिरला वाले में यही तो कहेंगे कि भी इस कंपनी का सब कुछ कौन है, केवल आदित्य बिरला है, रिलायंस अंबानी, अंबानी के नाम से जाना जाता है, नहीं बाकी तो कितने करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, उनका नामों निशान नहीं है, बिकॉज ही इज सुप्रीम देयर। सो कैवल्य का मतलब कि भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, मतलब कि भगवान के अतिरिक्त किसी और में शक्ति नहीं, जिसमें भी शक्ति है वो भगवान ही दे रहे हैं, अदरवाइज सब कुछ बेकार है। प्रत्येक वस्तु तथा हर कोई व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है, इस प्रकार अपनी शक्ति के द्वारा वह सर्वत्र उपस्थित हैं, क्योंकि वे उनसे अभिन्न है। अब प्रभुपाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट ला रहे हैं शक्ति शक्तिमान का, हमारी फिलॉसफी शक्ति शक्तिमान है। सो प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं सूर्य का, ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, सूरज और सूरज की रोशनी, तो सूरज की रोशनी से ही सूरज की पहचान है, और बिना सूर्य के सूरज की रोशनी हो भी नहीं सकती। सो उसी प्रकार ये सारी चीजें भगवान की हैं, और भगवान के बिना ये चीजें नहीं हो सकती, असंभव है, इनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। जैसे आग और चिंगारी को अलग कर सकते हो, आग है तो चिंगारी होगी होगी, चिंगारी है तो इसका मतलब आग भी है। सो इसी प्रकार अगर भगवान है तो संसार है, जीवात्मा है, माया है, माया है, जीवात्मा संसार है, तो भगवान होंगे ही होंगे।
सो अभिन्न है, ये महाप्रभु ने हमें कॉन्सेप्ट दिया शक्ति और शक्तिमान का। जैसे मेरा हाथ है तो मेरी शक्ति कहाँ है, मेरे हाथों में ना, मगर क्या मेरी शक्ति मेरे हाथ से अलग कर सकते हो आप? नहीं, दैट्स इन मी, वो मेरे में है नहीं। मगर फिर भी हम दो पॉइंट्स में बात कर सकते हैं, जैसे मैग्नेट और मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेट को मैग्नेटिज्म से अलग कर सकते हो? नहीं। ऐसे हमने मैग्नेटिज्म अलग किया, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट खत्म हो गया। सो वो दोनों इंटरलिंक्ड है बट फिर भी सेपरेट है। इसको कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद, भेद भी और अभेद भी है। प्रभुपाद वो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, इसलिए भगवान को अद्वय कहते हैं। इसी प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले हुए हैं। वह परमात्मा है और परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित हैं। अब ये जो शब्द आ रहा है, प्रभुपाद बता रहे हैं सर्वात्मना समदृशो। सर्वात्मना मतलब प्रत्येक जीव के हृदय में रहने वाले हैं, उसको कहते हैं परमात्मा। सर्व आत्मना सबके आत्मा में वास करने वाले हैं, एक मतलब ये हुआ। मगर अगर आप इसका भक्ति में मतलब निकालोगे तो उसका मतलब क्या है? सर्व आत्मना मतलब कि सबके आत्मीय है। आत्मीय समझते हो ना, प्रिय है, सब जीव आत्माओं के प्रिय हैं भगवान। और भगवान के लिए सब प्रिय हैं, सारी आत्माएं कृष्ण के लिए प्रिय हैं क्योंकि उनकी तो है। चाहे हम प्रेम करते ना करते वो बात अलग है, मगर भगवान हमसे प्रेम करते हम भूले बैठे, इसलिए उनको कहते हैं परमात्मा, जो आत्मा के परम प्रिय है इसलिए परमात्मा कहते हैं उनको। और परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित हैं। समदृशो सबके हृदय में बैठ के सब कुछ नोट करते जा रहे हैं, ये क्या गंध कर रहा है सब कुछ उनको पता है, आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते। जो लोग, जो आदमी सोचते हैं ना कि हम छुप के या कुछ खराब काम कर लेंगे, वो बेवकूफ हैं, क्योंकि आप कभी छुप ही नहीं सकते उनसे। इसलिए शुद्ध भक्त से कभी पाप हो ही नहीं सकता। और एक शुद्ध भक्त, क्योंकि उसको वो रियलाइज्ड है कि भगवान उसके हृदय में है, भगवान के नाम की शक्ति से उसको अनुभव होने लगता है कि भगवान समदृशो है, सर्वात्मना है। और ये अनुभव करके वो हर, प्रभुपाद कहते हैं ही विल बी फोर्स टू डू डिवोशन, ही विल बी फोर्स टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान उसको गाइडेंस देते रहते हैं और वो गाइडेंस लेता भी रहता है। सो भगवान हम सबको भी गाइडेंस दे रहे हैं, मगर हम भगवान की अच्छी काउंसलिंग को रिजेक्ट करते हैं। हम ऐसे हैं, हम गंदे हैं नहीं, भगवान हमें भी बताते हैं। एक भगवान एक खूनी को भी बताएंगे, देख खराब काम है। एक्चुअली हर चोर को पता है कि खराब है, नहीं तभी तो छुपता है वो। खराब नहीं तो आराम से था, टिंग टिंग चोरी करने आया हूं मैं ऐसा नहीं होता। ही नोज कि खराब है, चाहे वो अपने आप को कितना ही लॉजिक दे दे कि नहीं नहीं अच्छा है करना चाहिए, ये तो गंदे लोग हैं, इनको लूट के हम गरीबों को दे रहे हैं, तो भी छुपके क्यों कर रहे हो? छुपके करना ही मतलब उसको पता है खराब है, डेफिनेटली उसको पता है खराब है। सो हर व्यक्ति को पता है, परमात्मा हर व्यक्ति को अंदर से गाइडेंस देते, काउंसलिंग करते हैं, देखो खराब है ये चीज। किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अगर अगर कोई अपने 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 साथ ट्रुथफुल होगा ना, उसको पता लग जाएगा क्या चीज खराब है क्या चीज गलत है, ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। इसलिए कृष्णा गीता में कह रहे हैं, क्या श्लोक है वो, सत्वम की सत्वगुण क्या है, यू रिमेंबर, प्रकाशकम अनामयम शब्दारेषु धेनुषु प्रकाशकम, शुरू शुरू फर्स्ट लाइन क्या है, सतोगुण क्या है, प्रकाशकम अनामयम। सतोगुण का लक्षण है कि अपने आप इंद्रियों में प्रकाश हो आता है। अगर हम सतोगुण में रहेंगे, सतोगुण मतलब क्या है, अगर हम शास्त्रों के नियम फॉलो करेंगे, सतोगुण मतलब शास्त्रों के रूल्स फॉलो करना। सतोगुण मतलब केवल अच्छा बनना नहीं होता कि मैं अच्छा हूं, क्योंकि बिना शास्त्रों को पालन किए आप अच्छे हो भी नहीं सकते। बिना शास्त्रों को पालन किए आप तो अपने माइंड से चल रहे हो ना, जो मन से चल रहा है वो कभी अच्छा थोड़े ना हो सकता है। इसलिए सतोगुण का मतलब ही होता है कि शास्त्रों का पालन करना, क्योंकि शास्त्रों के फॉलो करके ही हम अच्छे बन सकते हैं, वरना अच्छाई कभी भी नहीं आ सकती। क्योंकि शास्त्र मतलब शासन, शासन मतलब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में तो बच्चा अच्छा बनता है, अपने मन से बन सकता है कभी अच्छा? आप छोड़ दो बच्चे को, अगर आपने खाली छोड़ दिया बच्चे को तो जंगली बन जाएगा,
वो तो तैयार है जंगली बनने को, वो तो डिसिप्लिन किया हुआ है, इसलिए भी शांत और स्वभाव। आप किसी बच्चे को अभी लव प्रोग्राम में आराम से बैठा होगा, क्या अच्छा है वो? जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा आतंक मच जाएगा, अच्छा नहीं है वो, तो डिसिप्लिन में इसलिए अच्छा लग रहा है, उसको पकड़ा हुआ है उसको। तो उसी प्रकार सतोगुण मतलब कि शास्त्रों का शासन, तब हम अच्छे लगते हैं। जैसे ही शास हटेंगे हम क्या बन जाएंगे? असुर, मतलब आतंक मचा देंगे, मतलब गंद शैतान बन जाएंगे हम। इसलिए जो व्यक्ति जिसको जो शास्त्रों का पालन करेगा उसमें अपने आप ज्ञान आने लगेगा, शास्त्रों के नियम। इसलिए हम भक्ति के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, अपने आप नॉलेज आने लगती है। और क्या नॉलेज आती है? नॉलेज क्या आती है कि भगवान की गाइडेंस समझ आने लगती है हमें। अभी समझ नहीं आ रही ना गाइडेंस, अभी भगवान बोल रहे हैं कि बुरा है अच्छा है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि भी नहीं नहीं एक्चुअली पता नहीं अच्छा है बुरा है क्या है, समझ नहीं आ रहा, वो तो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है। नहीं, हम अपने अपने आइडियाज नहीं लगाते, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस ऐसे करके हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती हैं। मगर जब हम अच्छी तरह फॉलो करेंगे रूल्स रेगुलेशंस तो प्योर हो जाएंगे, शुद्ध बन जाएंगे। शुद्ध बन जाएंगे तो भगवान की काउंसलिंग समझ आने लगेगी, यार ये सही कह रहा है बंदा, यार जो अंदर बैठा है मेरे, ये जो बाहर वाले बंदे हैं गलत कह रहे हैं, आप कन्विंस हो जाओगे। मगर अभी हम उल्टा कह रहे हैं, नहीं यार अंदर से आवाज है वो तो गलत है, ये लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि जमाना बदल गया है नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। हर आदमी को पता है झूठ बोलना गलत है, कहता है यार करना पड़ेगा आजकल के जमाने में, अब थोड़ा ना चलेगा। फिर वो अंदर की आवाज धीरे धीरे बंद खत्म हो जाती है। मगर भगवान हरे को काउंसिल कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि डिवोटीज को पता है कि भगवान परम निर्देशक के रूप में उपस्थित हैं, समदृशो, अतएव वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी तथा उपदेशक के रूप में। सो भगवान हम सबके सारथी हैं, जैसे अर्जुन के सारथी बने, प्रभुपाद अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं, हम सबके सारथी हैं। सो अर्जुन ने तो सारथी को सरेंडर कर दिया, इसलिए पार्थ सारथी कहलाए, हम नहीं कर रहे। हमारे शरीर रूपी रथ को कौन चला रहा है? परमात्मा चला रहे हैं, एक्चुअली आत्मा नहीं चला रही, हमें लग रहा है हम चला रहे हैं मगर हम नहीं चला रहे, भगवान चला रहे हैं। क्योंकि चलाने की शक्ति कौन दे रहा है? वो तो भगवान ही दे रहे हैं ना, हम थोड़े ना चलाने वाले, हम तो बैठे हुए हैं पीछे, भगवान ड्राइवर है, हम तो पैसेंजर सीट में बैठे हुए हैं। मगर वो पैसेंजर सोचता है कि मेरी गाड़ी है और ये ड्राइवर है और मैं चला रहा हूं, वो ऐसा सोच रहा है मगर एक्चुअली वो ड्राइवर नहीं, गाड़ी उसकी है, हम पीछे बैठे हैं। मतलब हम सोच रहे हैं कि ये मेरी मारुति है मगर एक्चुअली टैक्सी है। अब टैक्सी को अपना समझ लोगे तो क्या तो गड़बड़ी होगी, यू आर ऑन हायर, और फिर आपको छोड़ देंगे, फिर दूसरी टैक्सी में बिठा देंगे, फिर तीसरी टैक्सी में बिठा देंगे, इधर से उधर जाते रहेंगे हम, बस यही हो रहा है और कुछ नहीं। सो अतएव जब वह अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनके उच्चस्थ स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं समदृशो, समदृशो का मतलब एक और दे रहे हैं, भक्तिमय अंडरस्टैंडिंग समदृशो की। भगवान समान दृष्टि रखते हैं, जब भगवान अर्जुन के सारथी बने तो सारथी बनकर भी उन्होंने नहीं सोचा कि मैं देखो इतनी छोटी पोजीशन ले रहा हूं, छोटी पोजीशन नहीं ले रहा मैं, भगवान हो तो ये भी इसका देखो सारथी, इसने मुझे घोड़ा चलाने को बोल दिया। मतलब महाभारत के महाभारत में आता है कि जब युद्ध तो 18 दिन चला, तो हर दिन फाइट के बाद भगवान आते थे, उसकी सारथी तो घोड़ों को नहलाते थे और जो लीद वीद भी उठाना होता है वो उठा रहे थे। तो भगवान सब कुछ कर रहे थे, पूरी सेवा कर रहे थे, ऐसा सारथी सिर्फ चला नहीं रहे। तो अब भगवान तो नहीं सोच रहे कि मुझे नहीं करना पड़ेगा, चलो मैं चला लूंगा, फिर वहां पर जाकर लेटे हैं, यार चल जल्दी अब अर्जुन साफ वाफ कर, यार दिमाग खराब कर दिया। ही वॉज नॉट लाइक दैट, ही कृष्णा ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, और ड्यूटी करते वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं बड़ा हूं या ये छोटा है, क्योंकि भगवान की दृष्टि क्या है,
समान है। ये दृष्टि होती कैसे है? भगवान की दृष्टि ऐसी क्यों है, हमारी क्यों नहीं है? हम क्यों सोचते हैं कि ये तो अभी नया छुल्लक है या जो भी मतलब अभी अभी आया है एक दो माला कर रहा है, देखो मुझे तो 20 साल हो गए तो मतलब ठीक है हम कर लेंगे सेवा, हम जूते उठा लेंगे, हम झाड़ू मार लेंगे, मगर ऐ पिल्ला है ठीक है इसको सिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं ऐसी मतलब ऐसे आपने आचरी प्रभु जी सो क्या तो भगवान की दृष्टि ऐसी, भगवान ऐसा नहीं सोचते, कभी भी नहीं सोचते ऐसा, ये दोष है नहीं ऐसा सोचना, ये तो आप इंट्यूटिवली आपको समझ आ रहा है दोष है, इसमें शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा सुनेगा तो कहेगा गलत है, आप अमेरिकन के बोलोगे वो भी कहेगा गलत है, जादू बन रहा है। अब उसको कैसे पता गलत है, क्योंकि भगवान इंट्यूशन से बता रहे हैं हमें। अब आप इस इंट्यूशन को खत्म भी कर सकते हो, इंट्यूशन समझते हो ना, आप इस विचार को खत्म भी कर सकते हो, यार ये बकवास विचार है ऐसे ही तो है और क्या, बेकार में अपने को नीचे समझ रहा हूं, इसकी औकात ही ऐसी है, ऐसा ही होना चाहिए, इसने क्या किया। तो बुद्धि हमारी जो गंदी बुद्धि है ना, वो लॉजिक देके वो भगवान की काउंसलिंग को रिजेक्ट कर देगी। मैं कहा फिर भी आप कितने रिजेक्ट कर लो, वो आपके हृदय में रहेगा कहीं ना कहीं, नहीं यार ये मगर अगर आप हरने का शुभ टाइप के बन जाओगे तो सब फिर सुनाई नहीं देगा। सो मगर भगवान ऐसे नहीं, भगवान का ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हमारा ऐसा क्यों हो रहा है, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि भगवान को ऐसा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि भगवान अर्जुन से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम में समान दृष्टि हो जाती है नहीं। ऑफिस में तो वो बॉस है और वो चपरासी है, घर में ना कोई ऊपर है ना नीचे, वाइफ भी वैसी लग रही है, बच्चे भी वैसी लग रहे हैं, घर के फैमिली नौकर भी होते हैं पता है, पुश्तों के नौकर नहीं चलते आते, तो वो फैमिली मेंबर से ही लगने लगता है, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता वहां पर, तो खा रहे हैं उसको भी खाना दे दिया, चल भी बैठ जा वो भी थोड़ा बहुत, इट डजंट मैटर एक्चुअली, सब एक हो जाता है, प्रेम से सारी समान दृष्टि हो जाती है। तो भगवान क्या, तो सभी भगवान के नहीं, तो भगवान को सबसे प्रेम है ही, नेचुरली प्रेम है, कोई करना थोड़ा ना पड़ रहा है, सभी भगवान के अंश हैं, सभी भगवान के पुत्र हैं, तो नेचुरली प्रेम है, इसलिए भगवान की दृष्टि हमेशा समान रहती है। तो हमारी भी दृष्टि समान हो सकती है, कैसे हमारी दृष्टि कैसे समान होगी, हमारी दृष्टि समान होगी जब हम भगवान की दृष्टि से देखने लगेंगे, तो हमारी भी समान हो जाएगी है नहीं, जब हम भगवान की आंखों से देखने लगेंगे। कृष्ण सबको प्रेम करते हैं, सब भगवान के हैं, तो इसलिए क्योंकि मेरे भगवान सबको प्रेम करते हैं, इसलिए हमें भी सबको प्रेम करना चाहिए है नहीं। जिसको मेरे भगवान प्रेम करते हैं, मैं उससे द्वेष थोड़े ना कर सकता हूँ, तो गलत हो गया ना, तो प्रेम ही क्या हुआ फिर। इसलिए भक्त की भी दृष्टि समान हो जाती है, वो सबको भगवान का ही देखने लगता है, फिर ना ऊपर ना नीचे नहीं। तो हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, वो मैं पढ़ रहा था भागवतम, सो गोपियाँ जब भागवत में वेणु गीत आता है, तो गोपियाँ तो गोपियों ने हिरणों को देखा, तो हिरण तो वैसे मूढ़ होते हैं नहीं, अहो धन्य मूढ़ हरिणा, गोपियाँ कह रही हैं कि ये जो हिरण है इतने मूढ़ हैं, तो इंटेलिजेंट नहीं है, ऑफकोर्स एज अ एनिमल मूढ़ है, मगर हम लोग इंटेलिजेंट है, बट फिर भी वो धन्य है, क्यों, क्योंकि कृष्णा उनसे प्रेम करते हैं, उसी समान दृष्टि हो नहीं हो गई, उनसे भी प्रेम करते हैं, मुझसे भी प्रेम करते हैं, इसलिए ऊपर नीचे कम खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अगर अपनी दृष्टि से देखोगे तो ऊपर नीचे होगा कि मैं बड़ा डिवोटी हूं, वो छोटा डिवोटी है, सी। भगवान की दृष्टि से देखोगे तो ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हनुमान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक गिलहरी है, भगवान की दृष्टि में कोई बड़ा छोटा थोड़ा ना होता है, क्योंकि कृष्णा भक्ति देखते हैं, भक्ति और सेवा देखते हैं, सेवा में सिंसेरिटी देखते हैं, है नहीं। यह तो भक्तिमय सेवा की शक्ति है जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करता है। सो भगवान अर्जुन इतना फॉर्चुनेट थे कि अर्जुन
के हृदय में से निकल के भगवान बाहरी प्रकट हो गए सारथी के रूप में लोग। दैट वॉज ये अर्जुन की भक्ति की शक्ति थी। भगवान के भक्तों की इतनी शक्ति होती है कि वो भगवान की दृष्टि से ही नहीं भगवान को भी देख लेते हैं। जब भगवान की दृष्टि से देखना शुरू करोगे तो भगवान एक दिन प्रकट हो जाएंगे। देखोगे मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही था, मैं ही था तुम्हारे साथ, तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ था, तुमने कभी मुझे देखा ही नहीं, इसलिए मैंने भी तुम्हें अपने आप को नहीं दिखाया। बस सिंपल हो गया ना, तुम देखना चाहते हो है नहीं, हम देखना का चाहते हैं नहीं। अगर कुछ भी सीखना चाहते हो तो उसकी उसकी एक ही योग्यता है, एक ही क्वालिफिकेशन है कि उसको सीखने की चाहत होनी चाहिए, वरना सीखोगे कैसे। सिंपल है नहीं, इफ यू वॉन्ट टू लर्न एनीथिंग यू मस्ट हैव डिजायर टू लर्न दैट, वरना लर्न कैसे करोगे। भगवान को देखना चाहते हो तो भगवान को देखने की इच्छा होनी चाहिए, वरना नहीं दिखाई देंगे। सो हमें भगवान को देखने की इच्छा नहीं है, प्रॉब्लम ये है। हमें और बहुत सारी चीजें देखने का मन करता है, नहीं करता है, ये भी देख लो वो भी देख लो, मन तो करता ही है। तो इसलिए ठीक है, फिर भगवान कहते हैं ठीक है तुम्हें और कुछ देखने का मन कर रहा है तो फिर तो अभी तुम देखो, जब बोर हो जाओगे, जब मुझे देखने की इच्छा होगी तो मैं दिखा दूंगा अपने आपको। सो हम भगवान से सीख सकते हैं क्योंकि जीवन की भौतिक अवधारणा से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वह परम आध्यात्मिक सत्ता है। अतएव उनके लिए कोई कर्म ना तो उत्कृष्ट है ना निकृष्ट है, समादृशो, ना उनके लिए कोई काम छोटा है ना कोई काम बड़ा है। कृष्ण भगवान ने जूते भी उठाए हस्तिनापुर में, पत्तल की सेवा की थी, झूठे पत्तल उठा रहे थे। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने वो किया आपका राजसी यज्ञ, तो युधिष्ठिर महाराज सबको सेवा दे रहे थे, तो दुर्योधन को क्या बनाया था, क्या सेवा दी थी, अकाउंट्स की। क्योंकि दुर्योधन में एक शक्ति थी कि दुर्योधन जितना बांटता था उतना डबल हो जाती थी चीजें, जितना बांटेगा ना तो डबल हो जाएगी उसके पास चीजें। तो युधिष्ठिर महाराज ने उसको अकाउंटेंट बना दिया, तो बांट हमारे पास डबल पैसे हो जाएंगे। और अर्जुन को कुछ सेवा दी उसको, तो उन्होंने कहा कृष्ण से, कृष्ण भगवान आप क्या मतलब वो क्या पूछेगा, तो भगवान ने कहा मैं जूतों की सेवा लूंगा, जूते उठाऊंगा सबके। मतलब उस सभा में सब आ रहे थे, एवरीबडी वॉज इन्वाइटेड, होल वर्ल्ड, सारे राजा, और मैंने कहा ठीक है मैं जूतों की सेवा लूंगा। सो भगवान के लिए कोई कर्म उत्कृष्ट और निकृष्ट नहीं है, हमारे लिए हो सकता है, भोगियों के लिए होता है नहीं। ये ठीक है मैं वो काम नहीं करूंगा, झाड़ू कौन मारेगा, आप किसी को झाड़ू मारने को बोल दो वो तो पागल ही हो जाएगा, ना मुझे झाड़ू बोलने को बोला, मैं डिवोटी को झाड़ू मारने को बोला उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों क्यों हो रहा है, भगवान के लिए जैसे कोई ऊपर और नीचे कर्म नहीं होता, क्योंकि भगवान क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान हर कर्म को किस रूप में देख रहे हैं, प्रेम के रूप में देख रहे हैं कि ये मेरी प्रेममय सेवा है अपने भक्त के लिए, मेरे भक्त युधिष्ठिर है उसके लिए सेवा है। ऐसे ही अगर डिवोटी प्रेम से सेवा करेगा तो उसके लिए भी कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, नहीं काम ठीक है। आज मैं मंदिर बना रहा हूं वो भी भगवान की प्रेम में ही सेवा है, झाड़ू मार रहा हूं वो भी प्रेम में ही सेवा है, एक ही बात है, फिर ऊपर नीचे नहीं होता। प्रेम एक चीज है जो कि सब भेद खत्म कर देती है, लॉजिक से नहीं खत्म कर पाओगे वो, नहीं लॉजिक से कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए बड़े बड़े पढ़ने वाले हो गए, भागवतम रटने वाले हो गए, पूरा श्लोक रटा होगा उनको, मतलब एग्जैक्ट सर्वात्मना है, मतलब वो एग्जैक्ट बोलेंगे ये सब दे लाइक फनी। आप बोलोगे सर्वात्मना कहेंगे गलत है। सो अब क्या है, मतलब ठीक अच्छा है बोलना, गलत नहीं है, मतलब पॉइंट इज कि बिना प्रेम के इसका कोई मतलब फिर नहीं रह जाता है, सब मैकेनिकल हो गया। नहीं प्रेम से ये शब्द जीवित होगा, वरना तो ये मृति है सब आपके लिए, क्या है सब मरे हुए तो है, पेज पे लिखा रह जाएगा, आपके हृदय में कभी नहीं लिखा होगा ये पढ़ते रहोगे बस किताब। सो इसलिए अगर भागवतम को समझना है तो भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, वरना भागवतम समझ नहीं आएगी, लॉजिक से आ जाएगी मगर आप फॉलो नहीं कर पाओगे। जितना प्रेम होगा उतने ही भागवत उतने ही भगवान को भी समझ पाएंगे। सो थोड़ा बहुत डिवोटीज में हो जाता है नहीं, अब जैसे हम लोग आते हैं तो जैसे जब मैं भक्ति शुरू की थी ना मैंने, तो ये सारे डिवोटीज बोलते थे सेवा करो,
विंडो साफ करो, झाड़ू मारो, तो मुझे समझ नहीं आता था क्यों पीछे पड़े हुए यार, झाड़ू क्यों मार, झाड़ू मारने थोड़ा ना आया हूँ मैं पर नहीं, आई थिंक यू ऑल्सो वर लाइक दैट. मतलब हम लोग सोच रहे थे कि हम स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन करने, मतलब आइडिया ये होता है ना ऐसा, स्पिरिचुअलिटी मतलब मेडिटेशन और नॉलेज और यू नो फिलोसफी. सो यहाँ पे आए, यहाँ पे भैया बाथरूम साफ करो, झाड़ू मारो. मैंने यार ये अजीब सी बात है, वो तो बिल्कुल इतना खराब काम करा रहे हैं हमसे जो हमारे नौकर करते थे घर में, मतलब बचपन से तो हमने किया नहीं, किसने किया, कहाँ किया है, पता नहीं आप लोगों ने मारा है झाड़ू कभी बचपन में? कभी मारी है? हमें तो छुई भी नहीं, मतलब हमारे यहाँ नौकर ही नौकर थे, हमें क्या लेना देना है झाड़ू से, भाड़ में जाओ. हाँ मतलब गंदगी की है, सो झाड़ू मारने वाला नौकर है, ड्राइवर है, खाना बनाने वाला नौकर है, कपड़े संभालने वाला नौकर है, नौकर करते रहो बस. तो बट द पॉइंट इज कि इस फिर भक्ति में आके थोड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं था ना, मगर धीरे धीरे फिर समझ आ गया नहीं एक्चुअली भगवान की भक्ति में ना कोई चीज ऊपर है ना नीचे, क्योंकि धीरे धीरे जब सेवा करके प्रेम होने लगता है भगवान से तो समझ आता है कि छोटी और बड़ी सेवा भगवान की दृष्टि में एक ही है. भगवान उस एक्शन को नहीं देख रहे, उस एक्शन की विषय भावनाओं को देख रहे, इंटेंशन को देख रहे, तो फिर एक्शन ज्यादा कोई मैटर नहीं करता. तो इसलिए भगवान के लिए भी ऐसा, भक्त के लिए भी ऐसा होता है. पूर्ण पुरुष जैसे भगवान होते हैं वैसा भक्त बन जाता है. इसलिए गीता में यह लिखा है मत भावम आगतः, श्लोक है ना, कि भक्त मेरा ही स्वभाव प्राप्त कर लेता है क्योंकि प्रेम हो जाता है, हम दो एक ही हो जाते हैं प्रेम से. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उनमें मिथ्या अहंकार नहीं है. ये वर्ड आ रहा है अन अहंकृत. सो मिथ्या अहंकार नहीं का मतलब क्या है? मिथ्या अहंकार का मतलब है कि राग द्वेष नहीं है. अहंकार से राग द्वेष आता है ना, द्वेष राग, मैं बड़ा हूं, बकवास है द्वेष. तो क्योंकि भगवान में मिथ्या अहंकार नहीं है इसलिए भगवान के लिए कोई उच्च कर्म और कोई नीच कर्म नहीं है. क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि मिथ्या अहंकार नहीं है. अहंकार मतलब होता है कि मैं करने वाला हूं, नहीं. सो जब हम सोचेंगे मैं कर रहा हूं, केवल मैं कर रहा हूं काम, तो अहंकारी हो जाओगे. देखो मैंने किया है ना, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए. मगर भगवान क्या सोचते हैं? भगवान में मिथ्या अहंकार नहीं, इसका मतलब क्या है? अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? अहम करोति इति अहंकार, केवल मैं करने वाला हूं. भगवान में मिथ्या अहंकार नहीं, इसका मतलब क्या है? क्यों नहीं है भगवान में अहंकार? क्या भगवान नहीं करते सब कुछ? एक्चुअली तो भगवान ही करते हैं, तो भगवान में तो अहंकार होना ही चाहिए कि भी एक्चुअली मैं ही तो कर रहा हूं सब कुछ. मगर भगवान में अहंकार नहीं होता. क्यों? क्योंकि यहां पर तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होता. ये तो थ्योरी है. क्या आप सेटिस्फाइड हो आंसर से? मुझे कभी इसका मतलब क्या है? कोई आंसर है? प्रेम के वो प्रेम में करते हैं. हाँ, क्योंकि कृष्णा भी सोचते हैं कि मैं करने वाला नहीं हूं, केवल मुझसे प्रेम करा रहा है. मैं जब भक्तों के लिए सेवा कर रहा हूं तो प्रेम मुझे वश में करके, भक्ति, भक्ति भगवान से ऊपर है. तो इसलिए भगवान सोचते हैं अभी मैं तो भक्ति के वश में कर रहा हूं, सिर्फ मैं थोड़ा ना करने वाला हूं. ये श्रेय जो मैंने किया है मेरे भक्तों के लिए, श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय मेरी भक्ति को ही जाता है. अब भक्ति का वास करती है भक्तों में, तो भक्तों को जाता है, भक्तों के वश में होके मैं कर रहा हूं. भक्त सोचता है कि मैं भगवान के वश में कर रहा हूं, तो दोनों का अहंकार नहीं होता. बस ऐसे इस तरह से म्यूचुअल रेसिप्रोकेशन चलती है. इसलिए भगवान में कभी भी अहंकार नहीं होगा. सो भगवान जब सृष्टि करते हैं तो यही सोचते हैं कि भी मेरे जो अंश है, मेरे जो जीवात्मा है, उनके लिए मैं कर रहा हूं, उनके प्रेम के वश में होके. इसलिए प्रेम के बिना कोई भी निरहंकारी नहीं हो सकता. इसलिए ज्ञानी लोग कह तो सकते हैं निरहंकार हो, मगर हो नहीं पाते. उनके लिए शब्द का मतलब क्या है निरहंकार? अगर आप ज्ञानियों की क्लास में सुनोगे ना निरहंकार, उनके लिए क्या मतलब है शब्द का? अहंकार नहीं होना चाहिए. वो क्या सोचते हैं? उनके लिए इसका मतलब है अहंकार नहीं होना चाहिए कि देखो, हाँ
कैन यू टेल क्या मतलब है उनके लिए? वो जब वो बोलते हैं तो उनका मतलब क्या है? अज्ञानी की क्लास में सुनोगे अहंकार नहीं होना चाहिए, तो वो क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? कभी कभी सुना नहीं है उसके मतलब क्या है? ढोंगियों की तो क्लास सुनी होगी टीवी में, वो इस बारे में बोलते ही थे। सो जब जब ज्ञानी या जब शंकराचार्य जो मायावाद है जब वो इसकी वे टिप्पणी करेंगे निरहंकार, तो वो कहेंगे अभी निरहंकार का मतलब है कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम परमात्मा हो, तुम आत्मा नहीं हो। एक्चुअली करने वाला ना करने वाला कोई है ही नहीं, सब एक है, तो अहंकार किस बात का है? जब कार्य ही माया है तो अहंकार किस बात का? मैं करने वाला हूं, जब ना करने वाला है ना मैं हूं, तो बचा ही क्या, तो निरहंकार हो गए। मगर एक्चुअली असली में होता नहीं है ऐसा, ये काम भी होता है और मैं भी होता हूं, है नहीं? सो अहंकार ना होने का उनके हिसाब से अहंकार की डेफिनेशन बिल्कुल थियोरेटिकल चलती है, कोई मतलब ही नहीं होता उसका। बट हमारे वैष्णव अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, नहीं प्रेम से सबको समझ आ जाता है अहंकार नहीं है। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप इन छोटी छोटी चीजों से मतलब बड़ी बड़ी दोषों से ऊपर नहीं उठ सकते। तो एक बार पता है हमारे डिवोटी वहां पे गए थे रामकृष्ण मिशन में, तो वहां के स्वामी जी थे, तो उनसे पूछ रहे थे निरहंकार का मतलब क्या है, तो सिगरेट पी रहे थे, उन्होंने फूक मारी, फेंका नीचे, देखो ना मैं सिगरेट से आ सकता हूँ ना द्वेष करता हूँ। मतलब दैट हैपेंड विद हिम, ही माइट बी लाइक सम काइंड ऑफ नॉनसेंस पर्सन, बट दे ज्ञानियों की डेफिनेशन बहुत फनी सी होती है। मतलब वो इंडल्ज तो करते हैं सब भोगों में और साइमल्टेनियसली कहते हैं कि हम निरहंकार हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। अतएव वे अपने को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते, उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है। अतएव वे अपने शुद्ध भक्त के सारथी बनकर अपने को निकृष्ट नहीं मानते। सिंपल है। तत्कृतम मति वैषमयम, भगवान की मति में कोई ये क्या हो गया, भगवान की मति में कोई विषमता नहीं है। भगवान की जब आप सेवा करोगे तो भगवान आपको ही क्रेडिट देंगे। भक्त कहेगा कि कृष्णा आप महान है कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। भगवान कहेंगे अपने भक्त से कि तुम महान हो कि तुम्हें मुझ में श्रद्धा है, इसलिए तुम महान हो, तुम्हारी श्रद्धा से मैंने तुम्हें सेवा का अवसर दिया है, अगर श्रद्धा नहीं होती तो कैसे मिलता। सो एक भक्त उनकी मति में कोई डिफरेंस नहीं होता, ही इज ऑलवेज गिविंग क्रेडिट्स टू अदर। निर्वद्यस्य क्वचित, निर्वद्यस्य समस्त आसक्ति से मुक्त है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यह शुद्ध भक्तों की महिमा है और यह भगवान की महिमा है। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, स्टॉप लेना। इसमें लास्ट लाइन है ये कि उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है। हाँ संतुलित है, पता नहीं ये ट्रांसलेशन कैसी है, मुझे नहीं पता, इंग्लिश में पता नहीं क्या है संतुलित रहता है, इसका क्या ट्रांसलेशन है इंग्लिश में? नहीं नहीं कुछ संस्कृत वर्ड नहीं है, पपट में है नहीं। लास्ट लाइन मटेरियल कंसेप्शन ऑफ ईगो इज इक्विवेलेंस इन हिम, पता नहीं भाई ये मैंने भी मुझे नहीं पता। मतलब अहंकार नहीं है एक्चुअली बेसिकली, उन्हें पता होता है कि मैं कर रहा हूँ वो, या ही इज नॉट, घमंड नहीं करते। क्या कहें, भाव का मतलब इंटेंशन है। हाँ चेष्टा भाव मतलब इमोशन, भाव ही तो होता है, इमोशन फीलिंग एक ही बात है ना, इमोशन फीलिंग एक ही। भाव मतलब फीलिंग्स, इंटेंशन मतलब चेष्टा, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, भाव या चेष्टा है? एक्चुअली चेष्टा है, क्योंकि चेष्टा आपकी खराब होगी तो भाव तो हो ही सकता है। हाँ भी मैं तो कोई लड़की कहेगी मैं उससे अटैच्ड हूँ, अटैच तो हो गई मगर उसकी चेष्टा है भैया अब इसकी शादी करके पैसे लेके मैं फरार हो जाऊंगी, मगर अटैच्ड है, जेन्युइनली अटैच्ड है, मगर इंटेंशन खराब हो गई उसकी, किसी बॉयफ्रेंड ने उसकी इंटेंशन खराब कर दी, भैया तू अब ठीक है मेरे यहाँ चले चलियो उसको लूट ले,
तो ऐसे ही होता है नहीं. सो चेष्टा बहुत इंपॉर्टेंट है. भगवान चेष्टा देखते हैं, इंटेंशंस देखते हैं. इसलिए साधना भक्ति का एक और नाम है चेष्टा भक्ति, चेष्टा कहते हैं. सो इसलिए जो सहज्य होते हैं वो इमोशंस पे फोकस करते हैं. तो सहज्य नहीं होते, सहज्य मतलब वृंदावन में अभी जो मतलब घूम रहे हैं, जिनको कोई फिलॉसफी नॉलेज नहीं है, मन से इमोशंस, वो इमोशन से फोकस करते हैं, भाव पे. मगर जो वैष्णव जिनको ज्ञान है, जो भक्तों के साथ है, परंपरा में आ रहे हैं, वो किस पे फोकस करते हैं? वो चेष्टा पे. चेष्टा सही होंगे तो भाव अपने आप सही रहेंगे. भाव सही होंगे तो जरूरी नहीं चेष्टा सही हो. सी दैट्स अ पॉइंट. चेष्टा एफर्ट नहीं है. एफर्ट भी होता है, चेष्टा एफर्ट भी होता है. वैसे एफर्ट मतलब संकल्प होता है, एफर्ट संकल्प है. चेष्टा से भाव आते हैं, चेष्टा की चेष्टा हो गए. चेष्टा से भाव और भाव से हमारा आचरण और वचन आ जाते हैं फिर उसे. बंगाली में चेष्टा का मतलब क्या है? इंटेंशन ही ना. चेष्टा बोले एफर्ट्स. एफर्ट्स तो क्या बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल चेष्टा करो हो जाए, दैट मींस टू ट्राई इट. अच्छा, चेष्टा करो हो जाए. हां, ट्राई राइट, एफर्ट लगाओ तो हो जाएगा. एफर्ट भी होता है वैसे चेष्टा, ऐसी बात नहीं है. बट टेक्निकली संस्कृत में चेष्टा के लिए है. एफर्ट का मतलब है संकल्प. राइट, संकल्प. ठीक, संकल्प करो हो जाएगा, डिटर्मिनेशन. चेष्टा अगर रियली में देखो तो इंटेंशन है. उसमें फिर इंटेंशन सही होगी तो एफर्ट भी लगाओगे, नेचुरली नहीं. हमारी इंटेंशन है सेवा करने की. चेष्टा का बेस है इंटेंशन. मतलब इंटेंशन होगा तभी चेष्टा होगा. हाँ, वही वही है. सो चेष्टा मींस इंटेंशन. दैट्स द पॉइंट. ओके, क्वेश्चन है कि हम लोग का खराब होने का टेंडेंसी इतने स्ट्रांग क्यों है? जैसे ये नहीं वैलिड क्वेश्चन है ये. जैसे हम इतने है तो सही, सुनते हैं सुनते हैं, इसके इफेक्ट कम आ रहा है. चलो इसका आंसर बताओ, कोई क्यों है? इसका खराब का कोई मौका मिले तो बस वही कर देंगे हम. कई जन्म जन्म से हम खराब में ही तो जी रहे ना. अगर सही होते तो अब तक निकल ही चुके. जन्म जन्म हम अच्छे नहीं सुनते थे, पिछले जन्म नहीं सुनी ये सब चीजें. नहीं, नहीं हो सकता है, सुना भी होगी, कम सुनी होगी. सुना है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया हमने. बहुत सारे लोग इस कॉन के अंदर मंदिर में रह रहे होते हैं, वो भी ठीक नहीं हो रहे. तो उन्होंने तो बहुत ज्यादा सुन लिया. तो फिर क्या, कैसे, क्यों होता? तो आज मैं 3.21 पढ़ रहा था, उसमें वो ज्यादा आचरण थी श्रेष्ठ वाला. उसमें भगवान ने, उसमें जो मुझे समझ में आया ये है कि जो हम प्रमाण देते हैं उसका लोगों पे 2 गुना फर्क होता है, बट जो हम आचरण करते हैं उसका 5 गुना फर्क होता है. तो लोग बोलते तो है बट आचरण वैसा नहीं करते. और लोग आचरण क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उसमें भी ये लिखा था भाव वाली बात, उसमें भी की इंटेंशन नहीं चाहिए. मगर इनका क्वेश्चन ये है कि जो आचरण भी कर रहा है, हाँ, सब कुछ कर और सुन भी रहा है, तब भी वो इतनी जल्दी चाहिए चीज आती नहीं. अट्रैक्ट हो जाता है एकदम से. खराब चीज करने में एकदम से मन चला जाता है. मतलब कोई 20 साल से सही कर रहा है, कुछ कर रहा है, फिर भी फॉल डाउन हो जाता है उसका. तो ये क्या, ये कह रहे हैं क्यों ऐसे हम हैं कि प्रोग्रामिंग इज कमिंग कमिंग कमिंग, व्हाई डजंट गो? वो अंदर से जा क्यों नहीं रही? वो इतना कुछ करने के बाद भी यही कह रहे हो ना. वेल, कई लोगों को होता, ऐसी बात नहीं, नहीं होता. तभी तो फॉलो कर रहा है. सी, इट माइट बी द केस. मेरी जो रियलाइजेशन है वो ये है कि हम प्योर इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हम, अब आप कह सकते हो कि हम प्योर नहीं होना चाहते, दैट्स अनदर पॉइंट, बट वो पॉइंट नहीं है. हम प्योर इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हम सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को प्योर कर सकता हूं, बस इसलिए नहीं हो रहे. मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को प्योर कर सकता हूँ. हम पूरे हेल्पलेस फील कर ही नहीं रहे. ये कृष्णा प्लीज हेल्प मी, इसीलिए हम प्योर नहीं हो रहे. अगर अगर आप बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे होगे ना, तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे जब चैंटिंग करोगे. हेल्पलेस फील करने का मीनिंग क्या है? अब मान लीजिए आप डूब रहे हो और आप चला रहे, बचाओ बचाओ, कोई बचाएगा? वो देख भी लेगा, बचाओ बचाओ, डूब नहीं रहा है, कुछ और चक्कर है. वो चिल्लाना पड़ेगा, बचाओ, तब होगा. नहीं तो हम ऐसे ही है, हम ऐसे ही हरे कृष्ण हरे कृष्ण. यू आर नॉट शाउटिंग बिकॉज वी डोंट फील हेल्पलेस. हमें लग ही नहीं रहा हम डूब रहे हैं. हमें लग ही नहीं रहा कि एक्चुअली मैं अपने आप को प्योर नहीं कर पाऊंगा.
आई कैन नॉट डू, आई हैव टू आस्क हेल्प फ्रॉम गॉड, आई हैव टू आस्क हेल्प. इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं चैंटिंग शुड बी अ चाइल्ड्स क्राई फॉर हिज मदर. प्रभुपाद कह रहे हैं, नहीं कह रहे सेल्फ साइंस ऑफ रिलेशन में, जैसे बच्चा नहीं रोता कि मम्मी के बिना भैया चुप ही नहीं होने वाला मैं. इसलिए कभी कभी ऐसा भी लगता है, सो दैट्स एनी दैट्स दैट्स वन थिंग. सो वी डोंट फील हेल्पलेस. नाउ द पॉइंट इज, अब हेल्पलेस क्यों फील नहीं कर रहे? कोई और बिगर कारण होगा मुझे. पुराने जन्म पाप है? नहीं नहीं नहीं, मैं आऊंगा, मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ. तो हम हेल्पलेस फील नहीं कर रहे, नहीं नहीं कर रहे ना, वरना तो आंसू आ जाते हैं आंख से, चिल्लाते हैं हम हरे कृष्णा, माइंड भागते नहीं इधर उधर, भैया पुकारो गिरिधर को. मगर हेल्पलेस फील इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग भगवान की सेवा में पूरी तरह 100% अपने आप को दे नहीं रहे, इसलिए हेल्पलेस फील नहीं कर रहे. अगर हम भगवान की सेवा अपने को पूरा देंगे तब हम हेल्पलेस फील करने लगेंगे. वी आर नॉट गिविंग आवर सेल्फ फुली. अब क्यों ऐसा है कि हम भगवान की सेवा में अगर फुली देंगे तब हम हेल्पलेस फील करेंगे? ऐसा क्यों होगा? ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि भगवान की सेवा करना आसान नहीं है. यू आर टेलिंग ना राहुल, जब एक्सपीरियंस होता है ना तब समझ आता है, बिना एक्सपीरियंस के समझ ही नहीं आती. आप कितनी पढ़ लो, है नहीं, आप पढ़ सकते हो, हाँ देखो भीख मांगना बुरा है, कितना बुरा है. जब भीख मांगोगे ना तब पता लगेगा कितना बुरा है. या पढ़ सकते हो शेर आएगा तो डरना चाहिए. डरना चाहिए, मगर मुझे डर नहीं लगेगा. बच्चे नहीं अपने माइंड में सोचते शेर आएगा तो मैं डिशू उसको मारूंगा, उसकी लात पकड़ के घुमा के फेंक दूंगा. ये वो मुझ पे जंप करेगा, मैं साइड में होके एक पिस्तौल उठा के गोली मार दूंगा. ऐसा नहीं होता, हम भी कुछ असली में मुझे मरने से डर नहीं लगता. हाँ ये भी कहते हैं मरने से डर नहीं लगता, सभी कहते हैं, सभी कहते हैं. जब असली में होता है तो सेवा जब भगवान की करते हैं ना तो हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वर्ड, क्योंकि सेवा मतलब अच्छा काम करना. अच्छा काम करना बड़ा मुश्किल है संसार में, हमें पता ही है. प्रीचिंग कर रहे हैं हम, कितना मुश्किल है. एक्चुअली हम प्रीचिंग नहीं कर रहे, बेस्ट सेवा प्रीचिंग है. जो प्रीचिंग नहीं करेगा वो कभी भी हेल्पलेस फील नहीं कर सकता, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि प्रीचिंग करना बहुत मुश्किल है. तब आप भगवान को पुकारोगे, भगवान कुछ हो ही नहीं रहा यार, ये तो मैं सोच रहा था मैं कर लूंगा, मगर यहां पे तो भैया हो ही नहीं रहा, मैं एक बंदे को भी भक्त नहीं बना पा रहा. सो तब आप पुकारोगे कृष्णा प्लीज, आपको एक्सपीरियंस समझ आ जाएगा कि आई हैव नो पावर. तब आप पुकारोगे हे कृष्णा प्लीज हेल्प मी. जब मैं किसी दूसरे को चेंज नहीं कर पा रहा तो अपने को क्या चेंज करूंगा? यू सी दिस रियलाइजेशन इज देयर नाउ कमिंग, नाउ इट विल कम. जब तक हम प्रीचिंग नहीं करते तब तक हमें लगता है हम अपने को शुद्ध कर लेंगे, उसमें क्या है. अगर प्रीचिंग करने लगेंगे भाई सामने वाला चेंज नहीं हो रहा, अपने को क्या करेंगे हम? दिस माइंड इज नॉनसेंस, सो डिफिकल्ट. सो देन प्रीचिंग से एक्चुअली हम प्रीचिंग नहीं कर रहे, अल्टीमेट पॉइंट ये है. इसलिए हम हेल्पलेस फील नहीं कर रहे. वी हैव टू प्रीच, वी माइट बी डूइंग हेल्पिंग, हैव टू डू मोर. बिल्कुल ब्रॉडर सेंस पे लिया जाए तो ये जो संसार, इसका जो फॉर्मेशन है इसमें मेटेरियलिस्टिक एंगेजमेंट, स्पिरिचुअल एंगेजमेंट इससे इतना ज्यादा है. exactly. हमारी जिंदगी में 98% हम मेटेरियली एंगेज है, स्पिरिचुअली हमारे एक्टिविटी वो तो है. तो हम ये होगा ही होगा ना, ये हम खा रहे हैं पी रहे जो भी कर रहे हैं ऑल आर मटेरियलिस्टिक. वेल स्पिरिचुअल किसको कहाँ है, इम्पैक्ट नहीं दिख रहा मटेरियलिस्टिक चीजों का. वेल उसका तरीका ये है कि तभी हमारे आचार्यों ने रूल्स बनाए. नहीं तभी हमारे आचार्यों ने गलत हो गया. नहीं तो ऑफ कोर्स योर लाइफ इज कॉम्प्लेक्स, तो उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है जो मैं बताया था, छोड़ छाड़ के भी फार्म हाउस को चले जाओ. exactly. बट वो हर एक के लिए पॉसिबल है नहीं. तो क्या करना है उसका सॉल्यूशन ये है कि इसीलिए नेक्टर ऑफ डिवोशन में रूपा गोस्वामी ने रूल्स बनाए हैं. अगर आप उन रूल्स को एज इट इज फॉलो कर लोगे रिजल्ट आएगा ही आएगा. इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइक मिलिट्री प्रोसेस है. हम मशीन चलाओगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा. हम मशीन सही से चला नहीं रहे, हम रूल्स कहीं फॉलो नहीं कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सिंसियर नहीं है. तो यू फॉलो ऑल द रूल्स एज मच एज यू कैन ऑफ कोर्स एंड देन यू सी रिजल्ट क्यों नहीं आएगा. थोड़ा टाइम लगेगा, एक रात में नहीं आएगा, बट आ जाएगा. नो गेन विदाउट पेन.
मेहनत तो करनी पड़ती है ना, तो भैया आपके जो जिनको वो मिलता है क्या कहते हैं वर्ल्ड का बेस्ट रनर, तो वो तो मतलब आईजी स्टेडियम में भाग रहा है गधों की तरह घोड़े की तरह, लोग मजे कर रहे हैं जो भैया लोग मजे कर रहे हैं चीयर चीयर चीयर, वो जीत गया मतलब आधे घंटे की रन थी जीत गया, मगर आधे घंटे के रन के पीछे उसने पता नहीं 20-30 साल 24 घंटे एक मिनट नहीं 24 घंटे मतलब उसकी पूरा ओवरहॉलिंग होती है मतलब वो आधे घंटे के लिए। सो ऐसे हमारे यहाँ भी हैव टू कीप ऑन गोइंग कीप ऑन गोइंग कीप ऑन गोइंग कीप ऑन गोइंग इट विल हैपन। मगर यू सी वन थिंग, मगर एक बात जरूर है, अगर आप कहो ना हम प्योर नहीं हो रहे तो गलत है, क्योंकि हम प्योर हो चुके हैं बहुत कुछ। अपनी लाइफ पहले देखो और अभी देखो डिवोशन के बाद कितना फर्क है नहीं? मतलब डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस, यू कांट डिनाई इट। अगर आप बिना भक्ति किए, जब भक्ति में नहीं होते, अगर यहाँ पे बैठे होते ना एक सेकंड नहीं बैठ सकते थे, आपको माइंड ही नहीं लगता। सही बात है। आप देख लो किसी भोगी को ले आओ, मेरा ही लगता था हाँ कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, बैठ ही नहीं सकते। इसलिए कलयुग में लिखा है कि जो प्रवचन में 3 सेकंड भी बैठ जाए वो महान है। थैंक यू प्रभु जी। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, अब ये सुनना अच्छा भी लग रहा है नहीं? भगवान कह रहे सुनना अच्छा लग रहा है तो प्योर नहीं हो रहे, किसको अच्छा लग रहा है? तो पॉइंट ये है कि वो तो हमें इसलिए लग रहा है हम प्योर नहीं हो रहे क्योंकि जो हमारे साथ रहता है ना व्यक्ति, हमें पता नहीं लगता वो बड़ा हो रहा है। नहीं, पेरेंट्स को पता नहीं लगता कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है मोटा हो रहा है। उसका फ्रेंड आएगा, अभी तू इतना मोटा हो गया? वो कहेगा भाई मुझे तो कोई नहीं कह रहा। तो इसलिए हमारे वो तो दूसरे को देख के नहीं पता लग रहा क्या हो रहा है, तो अपने अंदर जो हो रही है हमें कभी पता नहीं लगेगा। मगर आप इतना ज्यादा प्योर हो चुके हो इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, वरना अभी तक तो दिमाग फट गया होता। सो हम प्योर हो चुके हैं, हमारा मन कर रहा है भगवान के बारे में सुनने में, उनकी सेवा करने में, इससे ज्यादा प्योरिटी क्या चाहिए? यू टेल मी, किसका मन कर रहा है? मन तो एंटी जा रहा है ना, हाँ थोड़ी इम्प्योरिटी भी है बट प्योर भी हो रहे हैं। इट विल टेक टाइम। संसार का डिजाइन खराब क्यों? खराब नहीं है, खराब की तरफ जा रहा है डिजाइनिंग जो है ये लाइफ का, ये कैसे क्यों? मतलब खराब क्यों है? खराब पे ज्यादा जाता है, अच्छे पे कम जाता है, ये डिजाइनिंग। हाँ, क्योंकि जेल है ना, जेल में कैदी क्या करेंगे, गंदे काम ही तो करेंगे। आप जेल में बैठे हो ना इसलिए लग रहा है। आप स्पिरिचुअल वर्ड जाओ आप कहोगे यार सब कुछ अच्छा है, जेल में बैठ के तो लगेगा ही गलत जगह में बैठे हैं ना, इसलिए ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खराब हो रहा है, सब कुछ गलत चीजें चल रही हैं, सब कुछ इम्परफेक्ट है, यही है ना। तो सबको टेररिज्म ये वो दुख, गलत जगह बैठे हैं। हर बंदा अपना अपना काम कर। दैट्स ऑल, दिस वर्ड इज नॉट गुड। हर बंदा अपना अपना कर्म कर रहा है। स्वभाव कर्म। एक दिन एक वेंडर बहुत नाराज, मतलब वेंडर कस्टमर नाराज हो गया, मतलब नाराज तो नहीं हुआ, मतलब वो बिना बात में गुस्सा हो गया। तो मैंने कुछ कहा नहीं, कहता आप तो ऐसे रिएक्ट मतलब कर देते थे, कुछ नहीं, मैंने आपने अपना कर्म किया, मैं अब अपना काम करूंगा। That's one philosophy. ठीक है, कर रहे हैं, टेरिस का भी तो कोई काम होगा, नहीं तो क्या करेंगे आत्मा? ये कहना ठीक नहीं है, ये फिलॉसफी गलत है। देखो भाई, देखो ये फिलॉसफी गलत है, क्योंकि सब इस संसार में भगवान ही कह रहे हैं, भगवान की फिलॉसफी है कि ये सब गलत कर रहे हैं। सब गलत कर रहे हैं, सब गलत लिख रहे हैं, चाहे अच्छा हो इस वर्ल्ड में चाहे बुरा हो, बुरा ही है, सब कुछ बुरा ही है, क्योंकि भगवान को छोड़ के आए ना। डिवोटीज तो कहते हैं हम मैं सही कर रहा हूँ, तुम गलत कर रहे हो। ये तो चीनी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, ठीक है तो अपना काम हो अपना काम। नहीं, एक्चुअली प्रभुपाद से पूछा था एक रिपोर्टर ने, प्रभुपाद से रिपोर्टर ने पूछा कि प्रभुपाद आप ऐसे क्यों बोलते रहते हो? तो मतलब वो अपना काम कर, यही वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, प्रभुपाद ने कहा हम सही काम कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, हमें बताने आया है उसको, वो ठीक नहीं कर रहा। बट एनी वे यू आर सेइंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल, आई अंडरस्टैंड, बट
प्रैक्टिकल परेशान होना वैसे अच्छा है, वरना निकलने का मन नहीं करेगा, नहीं पढ़े रहेंगे हम। ये तो भाई जो जितने भी स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो ऐसे एडवाइस करते हैं, तो परेशान लोग नहीं होते, खुश होते हैं, चलो भी ठीक है वो अपना, मगर एक्चुअली वो प्रॉब्लम है, हम यहीं पे पड़े रहेंगे, फिर खुश तो रहेंगे मगर यहीं रहेंगे। सो वी वांट, इसलिए शास कह रहे हैं यू शुड हेट दिस वर्ल्ड, हेट नहीं करोगे तो जाने का मन नहीं करेगा यहाँ से। सो अच्छा साइन है ना, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ये फ्रस्ट्रेशन भी भगवान की कृपा है, ये प्योरिटी है, यही प्योरिटी होती है। अभी प्योर आदमी तो कहेगा कि सब कुछ गलत क्यों हो रहा है, गंदा आदमी तो कहेगा सब कुछ अच्छा हो रहा है। सो यही तो प्योरिटी है, प्योर हो रहे हो आप, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आप ये नहीं बोलते तब हमें लगता कुछ गड़बड़ है, मिस्टर बेरा में भाई सबको ठीक लग रहा है इनको तो। सो दैट्स ओके, योर लाइन ऑफ थॉट इज विद कृष्णा, लाइन ऑफ थॉट That's purity. लोग बोलते थे, बोलते हैं जैसे हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि दिस इज वॉट वी आर डूइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है फिर से यही जन्म लेंगे तो, मतलब देर लाइक करें हमें तो, या या हाँ 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 दैट्स आई अच्छा लगता है। तो उसका आंसर क्या करते हो आप? कुछ नहीं करते। नहीं आप बोलो कि सुअर को भी अच्छा लगता है नाली में। तभी अच्छा है वो छोड़ देगा आपको, ठीक है उसके बाद क्यों रहना है ना, मैं छोड़ दो। टाइम का है लाइफ में, मैं जैसे बात हुई थी जय कहते मैं तो मनुष्य बनना चाहिए, गारंटी है ये चलता है कि मनुष्य बन जाऊंगा, गारंटी है मनुष्य बनने की, और कृष्ण बन जाए इससे अच्छा तो ये कि भगवान को खुश कर ले, जैसे थूक दे तो वो ज्यादा, हाँ वो बेटर है, उसमें ज्यादा अच्छा है। मुझे तो मनुष्य बनना है भैया, अभी आप ये भी बोल सकते हो कि आप उनसे बोल सकते हो कि जानवर मनुष्य नहीं बनता, हमें बोल दिया नहीं, बोल दो जानवर मनुष्य नहीं बनता, मैंने भी जानवर है ना, मनुष्य मनुष्य बनता है, जानवर थोड़ा ना मनुष्य बनता है। यानी ये बढ़िया सही, इसी की कोऑर्डिनेशन है बाबू जी, आपने जैसे बोला कि इंटेंशन होनी चाहिए, अब हम लोगों की इंटेंशन होती है कि सेवा करें सब कुछ करें, बट लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स है कि एट द एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि हम कुछ नहीं कर पाते, हार्डली एक या डेढ़ घंटा निकल पाता है उसमें, आप कुछ भी कर लीजिए। ये तो है ही, देखो तभी प्रभुपाद कह रहे थे कि सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन एक ही है, फार्म और कुछ नहीं। अगर इस और ज्यादा, अब आपकी प्रोग्रेस स्लो हो रही है मगर स्लो है, इसलिए तो हमने घर छोड़ा, हम पागल हैं क्या? हमने घर छोड़ दिया मतलब पागल होना चाहिए, अगर हमें, अगर आपके लाइफ में इतनी फास्ट एडवांसमेंट होती तो हम तो पागल हैं, हम सब कुछ छोड़ के बैठ गए। अल्टीमेटली तो यही हो रहा है। ये तो कंक्लूजन है। बच्चों का तो ये है कि गुरुकुल में पढ़ाओ, आइडियल सिचुएशन ये है, उनको मॉडर्न एजुकेशन में मत डालो, उनको गुरुकुल में पढ़ाओ और अपनी लाइफ आराम से जियो बस। क्योंकि अगर आप एजुकेशन भी दे दोगे तो कोई भरोसा नहीं कि वो अच्छा बन जाए, कुछ भरोसा नहीं है। हम यही तो माया है, हम अपने प्लान्स बनाते हैं ना, अटैच्ड है ना, मैं बच्चे को ये बना दूंगा वो बना दूंगा, कुछ नहीं पता किसी का। सो उसको भक्ति में लगा के भैया, इसके लिए गट्स चाहिए। अब हर व्यक्ति 99% लोग नहीं कर सकते क्योंकि फंसे पड़े हैं ना नेट में, इसके लिए एक्चुअली गुरु की कृपा भी चाहिए। गट्स तो किसी में नहीं होते ना, गुरु की मर्सी चाहिए, स्पिरिचुअल मास्टर्स के ऑर्डर चाहिए, उससे हो जाता है। जैसे भी मैं फुल टाइम खुद नहीं बन रहा था, मेरा मन था मगर निकल नहीं पा रहे थे हम। सो महाराज ने कहा कि चलो निकल लो, तब मैं, हाँ भाई ऑर्डर आ गए, ऑर्डर से स्ट्रेंथ आ गई, कर लिया हमने तो हम लोग जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं राजपुरा में, तो महाराज के ऑर्डर से स्ट्रेंथ आ गई मुझे, कर लो, हो गया बस, अब हम कर रहे हैं बस। सो गुरु की मर्सी बहुत चाहिए उसमें, इसलिए शास कह रहे हैं कि गुरु की कृपा के बिना नहीं हो सकता, खुद आप पढ़ते रहो डरते रहोगे। सो ऐसा है, अब क्या करें बताओ। इसलिए कहते हैं जिसको गुरु की बात पे पूरा विश्वास है वो निकल जाएगा, नहीं है वो रह गया बस, तभी तो कहते हैं। क्योंकि आपको कितने ही करे जो बिना गुरु के और मर्सी के आप नहीं कर पाओगे, खुद नहीं दिखाई नहीं देगा ना रास्ता।
गुरु कहेगा भी निकल जाओ, मरना है मरो, जो भी है मेरा ऑर्डर है, तो आप भाई अब क्या करें, करने या मरेंगे मरेंगे, क्या कर सकते हैं, आप निकल जाओगे फिर आपको पता लगेगा यार अच्छा ही हो गया। सो इसलिए कहते हैं कि वैष्णव और गुरुओं की बात एज इट इज फॉलो कर लो। हम डर तो लगेगा देखो उसमें, तभी कृष्णा कह रहे हैं माँ सोचा डरो मत, तभी तो कह रहे हैं डरो मत, क्योंकि भगवान ऐसे ऑर्डर्स देंगे जो आपको लगेगा भैया ये तो इम्पॉसिबल है। अर्जुन को ऐसे ही तो ऑर्डर दिया विष पे तीर चलाओ, वो तो डर गया। सो सरेंडर अभी क्या सॉल्यूशन, अभी प्रोग्रेस स्लो है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। मगर एक सॉल्यूशन हो सकता है इस लाइफ में, अगर फिर भी सॉल्यूशन चाहिए इस लाइफ में आपको, जब तक फार्म हाउस नहीं आ सकते, आप प्रीचिंग में लगो। तभी मैं आपको कह रहा था प्रोग्राम शुरू करो, जो आप लोग कतरा रहे हो मुझे नहीं आता। अगर आप प्रोग्राम शुरू करोगे ना, आप प्रीचिंग करोगे, आपका माइंड 24 घंटे काम करते हुए भी उसमें चलता रहेगा, क्योंकि भैया मुझे लेक्चर देना है, उसमें ये बोलना है ये बोलना है ये बोलना है, उसने ऐसा सोचा था उसने ऐसा पूछा था, तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे काम करते हुए भी। प्रीचिंग नहीं करोगे सिर्फ लेक्चर सुनते रहोगे तो पक्का आपका माइंड इधर उधर चला जाएगा, है नहीं? बिल्कुल। ये माइंड, हाँ माइंड एंगेज रहेगा प्रीचिंग में। तो अभी चलो आपको हम कोर्स बता, कोर्स दे रहे हैं 5 महीने का, उसको सीरियसली कर लो, एंड देन अपने अपने सोसाइटीज में आप प्रोग्राम शुरू करो। 4 लोगों को बुलाओ, बोलो क्या एक आदमी आ जाए, उसमें क्या है। मैंने प्रीचिंग शुरू की थी पहले सेंटर में, रियूष मैं लेक्चर देता था, रियूष बैठता था वहाँ उस रूम में, अंधेरा होता था, ये सुन रहा होता था, मैं बोलता था लेक्चर। प्रोग्राम हमने ऐसे शुरू किया था, पूरी फीस्ट बनाते थे, कोई आया नहीं, हम ही खा खा के फिर पेट दर्द लगाता था, भैया खत्म तो करना है। नहीं मिस्टर बेड़ा, एंड देन मिस्टर बेड़ा, मिसेस बेड़ा केम, जब हम उनके यहाँ गए थे, देन शी और इनकी इसकी बहन आती थी एक नीति, बस और क्या है, शुरू हो गई, दैट्स ऑल। कोई ना ऐसी बैठ के लेक्चर कर लो उसमें, क्या मंदिर में आके कीर्तन करो, बोल दो, कोई कुत्ता तो आएगा, कोई तो आएगा भाई, बट आपको फायदा हो जाएगा। सो दैट यू हैव टू डू विदाउट प्रीचिंग। पाप को देखना भी पाप है, ये शास्त्रों में लिखा है, और इसलिए आपका माइंड पाप में चला जाएगा। चुप बैठे हो ना आप, अगर सिस्टम में हो तो आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, रिवोल्ट करना पड़ेगा, या तो सिस्टम छोड़ दो। तो 2 ऑप्शन है, या तो फार्म हाउस में चले जाओ, ये अगर यहां पे बैठे हो सिस्टम के अगेंस्ट रिवोल्ट करना पड़ेगा, वरना पाप बुद्धि आप में चली जाएगी। रिवोल्ट मतलब प्रीचिंग, ये हम बता रहे हैं एज इट इज, देखो भैया ये खराब है ये सही है, अब तुम्हें मानना मानो, ये भगवान की बात है, हम उसको समझा रहे हैं उसको ला रहे हैं, तो भगवान की मर्सी आएगी बहुत। तो कृष्णा कह रहे हैं आप यहाँ पे रह कीचड़ में रहते भी उससे प्रभावित नहीं होगे, मर्सी से ना वो नहीं होगा, वो खुद से नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है। हम अपने घर में भी प्रीचिंग करनी चाहिए माँ बाप को, वो तो क्यों टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, वो थोड़े ना सुनेंगे, माँ बाप नहीं सुनते कभी, वो तो कहेंगे तो बच्चा है। रिश्तेदारों को और मदर फादर को प्रीचिंग नहीं करनी चाहिए, वो कभी नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना अननेसेसरली, उनसे तो बात करो, आ जाओ भैया ठीक है डाटा बाय बाय हूँ हूँ हाँ हाँ करके आ गए, एनर्जी वेस्ट होती है ना, फिर माइंड भी खराब होता है, वो बोलता है आप बोलते हो, ये बोलता है यार ऐसी बात हो गई, ये हो गया वो हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अंटिल अनलेस आप बहुत एक्सपर्ट ना हो, यू कैन चेंज देम, बट मोस्टली इट्स बी डिफिकल्ट, नहीं नहीं लेंगे, वो तो कहेगा यार इससे कल का बच्चा मुझे बता रहा है, हाँ हाँ निक्कर में देखा है ना आपको उन्होंने, बिना निक्कर के भी देखा है, यार ये क्या बताएगा मुझे। सो बात नहीं होती, तो डोंट वेस्ट टाइम, पास्ट से देखते हैं ना, तो पास्ट में उन्होंने जो हमने गलत काम कर रखे हैं।